हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नेशनल फिजिक्स एग्जाम की। नेशनल लेवल में एक फिजिक्स एग्जाम होता है, तुम बच्चों को आजकल पता नहीं चलता। मैं बात कर रहा हूँ NSPE, नेशनल स्टैंडर्ड फिजिक्स एग्जामिनेशन, जो 11th 12th क्लास में होता है, ओलंपियाड की तरह होता है। ये पता नहीं होता, ये एग्जाम मैंने भी नहीं दिया। मैंने जो एग्जाम दिया उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप एग्जाम, जो बहुत अच्छा एग्जाम होता है, सर्टिफिकेट एग्जाम, नेशनल लेवल का फिजिक्स लेवल पर एग्जाम होता है, नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन। जो वो एग्जाम BSc और BSc ऑनर्स पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ईयर के स्टूडेंट दे सकते हैं। पेपर तीनों ईयर का सेम आएगा, पर कट ऑफ पर ईयर अलग अलग जाएगी। मतलब कट ऑफ अलग अलग जाती है, फर्स्ट ईयर की अलग जाएगी, सेकंड ईयर अलग जाएगी, थर्ड ईयर की अलग। इसमें लैंग्वेज हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू भी होता है, अदर लैंग्वेज भी होती है। इसका मोड ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता। 10 ऑब्जेक्टिव, इसमें दो पार्ट आते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने आता है हर साल अक्टूबर और नवंबर में भरने आता है। अक्टूबर के मिड से लेकर नवंबर के मिड तक चलता है ये फॉर्म। एग्जाम फीस होती है 150 रुपीज, ओनली 150 रुपीज। और एग्जाम डेट जनवरी, अभी की बात करूँ, 2022 चल रहा है, जनवरी 2023 को ये एग्जाम होगा। सिलेबस आएगा BSc पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर कम्बाइंड। BS फिजिक्स का क्या आएगा, फिजिक्स का। फिजिक्स में जो नौ किताबें चलती है तुम्हारे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, उन तीनों का सिलेबस आएगा। इसमें एग्जाम पैटर्न होता है, दो एग्जाम पैटर्न होते हैं, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव होता है और पार्ट बी थ्योरी पेपर होता है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, जो कम्बाइंड बताएंगे पूरी स्टडी मटेरियल को। मतलब NJPA क्या होता है, इससे क्या स्कॉलरशिप मिलती है, कितने सर्टिफिकेट आते हैं। और मैं खुद टॉप 1% स्टेट टॉपर रह चुका हूँ। मैं इस साल 2022 में BSc फर्स्ट ईयर में मैं स्टेट टॉपर, देख रहा ना कैसा, मिस राजस्थान से।